हाथ ऊपर करने के लिए जगह नहीं है, लेकिन फिर भी माँ भारती के जितने बेटे बेटियां यहां उपस्थित हैं, दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके हाथ ऊपर करेंगे। सब लोगों का हाथ ऊपर होना चाहिए, पूरी ताकत के साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे। दोस्तों, आज दिल्ली के लोगों ने जो इतिहास रचा है, यह इतिहास दिल्ली के अंदर से जो एक नई शुरुआत हुई है, लोग कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब तक पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो ये रट लगा रही थी, केजरीवाल तो कांग्रेस को हराते हैं, केजरीवाल तो कांग्रेस को हराते हैं, दिल्ली वालों ने आज ये संदेश दिया है, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस हो या भाजपा, अगर जनता का काम नहीं करोगे, बेईमानी करोगे, लिंटर वसूली करोगे, तो भ्रष्टाचार का एक ही काल है, उसका नाम है। आप जानते हो मार्च के महीने में एमसीडी का चुनाव होने वाला था, यहां हमारे बहुत सारे कैंडिडेट जो जीत कर आए, मार्च के महीने में गली गली में गर्मी में कोई ऐसा चप्पा चप्पा नहीं था जहां पर आप सब लोग जनता के बीच में नहीं गए थे। आज जो परिणाम निकला, भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया, सर्वे में उस समय भाजपा हार रही थी, भाजपा ने, आपको याद होगा, देश के अंदर पहली घटना है जब चुनाव आयोग ने चुनाव घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आधे घंटे पहले होम मिनिस्ट्री से फोन आता है अमित शाह जी का, और चुनाव की घोषणा के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी उसमें चुनाव आयुक्त कहते हैं कि चुनाव टाल दिया गया, हार के डर से एकीकरण का बहाना बनाया गया, चुनाव से भागी भाजपा, उसके बाद भाजपा ने षड्यंत्र रचा, कैसे अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया गया, हमारे मंत्री को जेल के अंदर डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर घर पर छापा मारा, बैंक में छापा मारा, गांव में छापा मारा, देश के अंदर चप्पे चप्पे पर छापा मार करके खंगाला गया, डेली बदनाम करने की, अपमानित करने की कोशिश की गई, बीजेपी भागती रही। फिर उसे लगा अब तो अरविंद केजरीवाल गुजरात में बिजी हैं, इसलिए चुनाव का दांव चल दो। भाजपा वालों, तुम भागते रहे भागते रहे भागते रहे, जनता ने तुम्हें अस्थाई तौर पर दिल्ली से एमसीडी से भगा दिया है और जनता ने यह फैसला ले लिया है। कूड़े का नाम लेते ही करंट लगता था इनको, चाहे वो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हो और चाहे गली के अंदर भाजपा का कैंडिडेट हो, जनता ज्यों कूड़े का नाम लेती थी त्यों वो तिहाड़ का वीडियो लेकर के आते थे, ज्यों जनता कूड़े का पहाड़ का नाम लेती थी वो जो मनीष सिसोदिया जी का लिस्ट लेकर आते थे, इतने का घोटाला हो गया, इतने का घोटाला हो गया। भाजपाइयों, दिल्ली वाले ने फैसला कर दिया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार नहीं किया, तुम्हारे पार्षदों ने लिंटर में वसूली की, लिंटर में भ्रष्टाचार किया, उसका ये लिए जो जनता ने जवाब दिया है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं साथियों, दिल्ली के लोगों ने हम लोगों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी पर, आपके ऊपर भरोसा करके एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। भाजपाई कह रहे हैं जीत तो आम आदमी पार्टी को दिया है जनता ने, मेयर हम बनाएंगे। भाजपा के लोगों को चैलेंज देकर कहना चाहता हूं, तुम्हारे हर षड्यंत्र का मुकाबला पहले भी किया है और तुम्हारे हर षड्यंत्र का मुकाबला अब भी करेंगे। याद होगा भाजपाइयों को, जब पहली बार हम लोग 28 सीट जीत करके आए थे, 28 सीट जब पहली बार जीत करके आए थे, बहुमत हमारे पास नहीं था, लेकिन एक साल तक हमारे विधायकों को खरीदने के लिए रगड़ मारते रहे, रगड़ मारते रहे, रगड़ मारते रहे, बाल का बांका नहीं हुआ। परिणाम क्या निकला जब चुनाव हुआ?
68 सीट आम आदमी पार्टी जीत करके आई, 68 सीट। ये धमकी दे रहे हैं, हम धमकियों से तुम्हारे डरते नहीं है। अरे तुम्हें हमें जेल में डाल दो, मुकदमे जितना मर्जी उतना लगा लो, जितना मर्जी उतना बदनाम कर लो, हम न झुकने वाले हैं न मिटने वाले हैं।